आम की कहानी रिमझिम बुक ग्रेड वन। ये एक चित्रकथा है जिसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ कि ये कहानी किस तरह से हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चित्र आपको चित्र के हिसाब से ही देख के आपको इसकी कहानी गढ़नी है या बनानी है। तो इस चित्र पहला चित्र क्या कहता है, एक लड़की है, लड़की ने आम को देखा, उधर कौवे ने भी किसको देखा, आम को देखा। लड़की आम को देख के बहुत खुश हुई क्योंकि पेड़ पे एक आम लगा हुआ था, वो भी पका हुआ आम था। उधर कौवे ने भी आम को देखा पर अब कौवा उस आम को तोड़ नहीं पा रहा था। उधर लड़की ने आम को देखने के बाद अपने भाई को बुलाया, भाई दौड़ा दौड़ा चला आया और उसने बताया कि देखो पेड़ पे आम लगा हुआ है और इसे मुझे तोड़ के दो। तो भाई अपने साथ क्या लाया, एक गुलाल लाया, गुलेल लाया, और वो उस गुलेल से उस आम को तोड़ सकता था। ये चीज कौवा भी देख रहा था उस आम को। लड़के ने गुलेल में पत्थर बांधा और आम की तरफ निशाना मारा। उधर कौवा भी बहुत गौर से देख रहा था, जैसे ही आम घिरे मैं उसको पकड़ लूं। जैसे उसने मारा, ये देखो आम यहाँ से टूट गया पेड़ पे से, और कौवा वहां से अपनी जहाँ जिस जुगाल पे बैठा हुआ था उस जुगाल से उड़ गया आम को लपकने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए निकल गया। और देखिए आम को उसने खटाक से पकड़ लिया। इधर दोनों बच्चे क्या हो गए, निराश हो गए, क्योंकि उसने जो तोड़ा था आम बच्चों ने वो किसी और ने ले लिया। पर कौवा ये नहीं जानता था कि उसी पेड़ पे क्या था, एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। उधर कौवा ने ध्यान ही नहीं दिया कि उस पेड़ पे क्या है, मधुमक्खी का छत्ता। और कौवा जाके उस मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराया, और तो जैसे ही टकराया मधुमक्खी उस कौवे के पीछे हो गई, और मधुमक्खी ने क्या करा, उसको डंग मारना चालू किया। तो उस चक्कर में क्या हुआ, कौवे ने क्या करा, अपने जो मुंह में जो आम लेके जा रहा था उसको वहां से गिरा दिया। ये सब दृश्य पेड़ पे बैठे गिलहरी भी देख रही थी कि कौवे के मुंह से आम कहाँ गिरा, जाके कौवे के जो अंडे थे वहां पे जाके गिर गया। ठीक है ना, तो पर वो जो अंडे थे उनमें से भाई बच्चे निकले नहीं थे, तो गिलहरी ने इस चीज का फायदा उठाया। गिलहरी ने क्या करा, गिलहरी ने क्या करा, उस आम को लपक लिया और आम को वहां से लेके भागने लगी। उतने में क्या हुआ, अंडों में से बच्चे निकल आए और बच्चे चिल्लाने लगे। तो उससे घबरा कर गिलहरी ने अपने मुंह से अपने हाथ में जो आम था उसको छोड़ दिया। तो वो आम जाके कहाँ घिरा, पगड़ी पे जाके घिरा। आप देखते हैं ये पगड़ी पे, वो पगड़ी किसने पहनी थी, आदमी ने पहनी। तो ये आदमी कहाँ बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि आम कहाँ घिरा हुआ है, पगड़ी के पर घिरा हुआ है, और आम कहाँ है, ये व्यक्ति कहाँ, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जो इधर कौवा भी देख रहा है, इधर बच्चे भी देख रहे हैं। तो बच्चों ने बोला, ओ ये रहा आम जो आदमी के किसके ऊपर गिरा है, पगड़ी के ऊपर जाके गिर गया है। तो लड़की ने क्या करा, जल्दी जाके झट से उस पगड़ी पे से आम उठा लिया, और आम उठाते से क्या किया उसने, कहा लिया। और बाकी सब देखते रह गए, मतलब कौवा भी देखते रह गया, गिलहरी भी देखती रह गई। उधर उसका भाई भी बहुत खुश हुआ और अपनी गुलेल को देखने लगा। उस गुलेल को देखने लगा कि मैंने जो काम किया था, गुलेल से जो आम गिराए थे वो मुझे मिल गया। तो यह कहानी थी आम की कहानी, एक चित्रकथा कहानी है जिसे आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं और बना सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कहानी है आम की कहानी।